हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन बॉलीवीडिया में, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड और टीवी सीरियल से जुड़ी हर खबर सबसे पहले। दोस्तों, घायल, दामनी, घातक, फटा पोस्टर, निकला हीरो जैसी फिल्में बना चुकी राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी फिल्म बैड बॉयज रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बैड बॉय फिल्म से मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नामासी चक्रवर्ती बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हो गया है। सलमान खान ने बैड बॉय का पोस्टर शेयर करने के साथ नामासी को उनकी फिल्म के लिए बधाई दी है। साथ ही पोस्टर को लाजवाब बताया है। सलमान खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और नए कलाकारों को वो इस तरह से प्रोत्साहित करते रहते हैं। नामाशी का भी पोस्टर शेयर कर उन्होंने उनकी आने वाली फिल्म के लिए ऑल द बेस्ट कहा है। सलमान खान लॉकडाउन के चलते लंबे समय से अपने फार्म हाउस पर फंसे हुए थे, लेकिन अब वो अपने घर पहुंच गए हैं। वहीं बात करें फिल्म बैड बॉय की, तो राजकुमार संतोषी इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं। पिछले 30 वर्षों में संतोषी ने बॉलीवुड को कई बेहतरीन फिल्में दी हैं और बैड बॉय से भी कुछ इसी तरह की उम्मीद है। बैड बॉय की स्क्रिप्ट से लेकर निर्देशन पर जबरदस्त काम हुआ है। फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई है और अब पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। नामाशी के साथ अमरीन कुरैशी ने जनाएंगी। अमरीन भी इस फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं। फिल्म में दोनों ही नए चेहरे देखने को मिलेंगे। राजकुमार संतोषी की लंबे समय बाद कोई फिल्म रिलीज होने जा रही है, जिसे लेकर फैंस खासे उत्साहित हैं। बैड बॉय को साजिद कुरैशी अच्छे जयंती लाल गड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नामासी की ये पहली फिल्म है, ऐसे में दर्शकों को उनसे काफी उम्मीद है। फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर में उनका अंदाज दिल जीतने वाला है, लेकिन अब देखना होगा फिल्म में अपने अभिनय से वो दर्शकों का कितना मनोरंजन करते हैं। मेरे दोस्तों, आप कितने हैं बैड बॉयज मूवी के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें और ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।